मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुचामन में खेल स्टेडियम के पास तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हाईटेक बस स्टेशन को लोकार्पण से पहले ही असामाजिक तत्वों की नजर लग गई। शहर के लोगों को बस स्टेशन के उद्घाटन का इंतजार है, लेकिन बस स्टेशन बनाने वाले ठेकेदार के मुताबिक अभी तक बस स्टेशन को स्थानीय नगर पालिका ने अपने कब्जे में ही नहीं लिया है। हालांकि ठेकेदार ने सुरक्षा के लिए चौकीदार रखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ रात के समय ही आता है। ऐसे में दिन भर नए बस स्टेशन की इमारत असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहती है। असामाजिक तत्वों ने नए बस स्टेशन में कई जगह तोड़फोड़ करके परिसर को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नए बस स्टैंड परिसर और इमारत की मॉनिटरिंग करने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। बांदीकुई नगर पालिका के मनोनीत पार्षदों व राजस्थान ब्राह्मण महासभा के युवा नगर अध्यक्ष हुकुमचंद शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। नगर अध्यक्ष के द्वारा कैफे में दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा की गई। पूर्व चेयरमैन पूरनमल शर्मा ने कहा कि बांदीकुई क्षेत्र में इस तरह के नवाचार की पहल का स्वागत किया जाएगा। मनोनीत पार्षद राखी जैन ने इस कैफे को महिला सुरक्षा व जनता की दृष्टि से बहुत अच्छी पहल बताया है। एचकेसी जो आपके यहाँ कैफे खोला है, जो ऑनर इनके उनके बड़ा भाई पवन कुमार महावर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि यह ओपनिंग हमको बहुत जल्दी करनी थी अप्रैल के करीब, लेकिन हम नहीं कर पाए कोरोना के कारण। अभी ऑर्डिनरी कार्यक्रम किया हम लोगों ने, जुलाई को कोरोना खुला और हमने इसके ऑर्डिनरी चालू कर दिया खोल के कि हाँ कि अब यहाँ ओपन है, जो भी हमारे पास सर्विसेज है वो सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं आप सभी मनोनीत पार्षदों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बांदीकुई में भाजपा मंडल बसपा की कार्य समिति की बैठक धोली गुमटी पर मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह रही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री दौसा जिला प्रभारी सरवन सिंह बगड़ी व पूर्व मंत्री श्री राम किशोर सैनी रहे। कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। पाली में जैतारण रायपुर मार्ग पर गश्त कर रहे रायपुर थाने के 4 पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने व पुलिस जीप जलाने की कोशिश करने वाले शातिर गैंग के 7 आरोपियों को पाली पुलिस ने अलग अलग जगहों से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जंगल में फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में 6 थानों की टीम का गठन किया गया व आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 10 जुलाई की रात को पाली जिले के रायपुर थाना इलाके में रात के समय में रायपुर थाने का गश्ती दल रायपुर से जेतारण के मेगा हाईवे पर गश्ती दल ने ये देखा कि एक ट्रक के ऊपर कुछ आपराधिक तत्व चढ़े हुए हैं, चलते हुए ट्रक में से चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इनका पीछा किया, गश्ती दल ने भी पीछा किया तब वो अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ अंधेरे का लाभ उठाकर आसपास के खेतों और जंगलों में भाग गए थे। अपराधियों को पकड़ने के लिए वही गश्ती दल वापस मुख्य सड़क पर आकर नाकाबंदी कर रहा था। कुछ ही देर में इन्हीं अपराधियों में से इनके साथी और ये लोग मिलकर एक बोलेरो कैंपर वाहन में आए और नाकाबंदी के दौरान उस वाहन को रोकने की कोशिश की, तो गश्ती दल पर बोलेरो कैंपर वाहन चढ़ाने की कोशिश की और प्राणघातक हमला किया। जो भी गश्ती दल था उन लोगों ने अपने बचाव में पास में खेत में जम करके अपना बचाव किया और जो ही वो सड़क से हटे उसी दौरान ये आपराधिक तत्व जो थे इन्होंने पुलिस गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसमें आग लगा दी और सरकारी वाहन को भी पूरा जला दिया था। बांदीकुई में वार्ड नंबर 25 में मुख्य रास्ते में पानी भर जाने से वार्ड वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वार्ड में नाले की पट्टी टूट जाने से उक्त नाला पूर्णतः बंद हो गया था, जिसके चलते वार्ड के मुख्य रास्ते में पानी भर गया, जिसकी शिकायत पालिका को मिलते ही जमादार कालू हरियाणा कर्मचारियों के साथ पहुंचे व खुदाई कार्य करवा कर नाले को पुनः चालू करवाया, जिससे लोगों को राहत मिली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी न्यूज़।